आज पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है, 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे, तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यही पैदा हुए हमारे बाप दादा परदादे, सब यहीं पैदा हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बर्ताव होगा। खासकर गरीब आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब लोग इस टाइम डरे हुए हैं। इस कानून से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी केंद्र सरकार से कि इस कानून को इस टाइम लाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत इस टाइम है तो युवाओं को रोजगार देने की है। हम सब लोगों को मिलके इंतजाम करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हम रोजगार पैदा करें, और इस कानून के मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं।